पानी आपके जीवन का एक ऐसा आधार है जिसके बिना जीवन संभव नहीं। अगर पानी ना हो तो आप जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे बड़े हमेशा हमसे कहते हैं कि जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही स्वस्थ रहोगे। ये बात सही तो है कि पानी पीना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि कितनी मात्रा में। अगर एक स्वस्थ इंसान भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिए तो वो अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर सकता है, इसलिए पानी का सेवन सीमित मात्रा में करना ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताते हैं कि किडनी रोगी को कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। ऐसे ही आज हम एक ज़रूरी विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपसे इस बारे में बात करेंगे कि किडनी के मरीजों को कितना पानी पीना चाहिए। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए जानते हैं किडनी के मरीजों को कितना पानी पीना चाहिए और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि एक स्वस्थ इंसान कितनी मात्रा में पानी पी सकता है। अगर बात किडनी के मरीजों की करें तो किडनी के मरीजों को पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर लिक्विड लेना चाहिए। लिक्विड इसीलिए कहा कि यदि किसी किडनी के मरीज को डॉक्टर चाय पीना अलाउ करें तो उसको पानी, चाय या कोई भी लिक्विड, इन सभी को मिलाकर कुछ 1 से 1.5 लीटर ही लेना है, इससे अधिक नहीं। इसके अलावा जिन्हें किडनी में स्टोन की दिक्कत है तो उन्हें 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे अधिक पानी का सेवन किडनी स्टोन के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर बात स्वस्थ इंसान की करें तो उनके लिए भी दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी काफ़ी होता है। इससे अधिक पानी का सेवन उनकी किडनी में स्वेलिंग कर सकता है, इसलिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए या आपकी किडनी खराबी का कारण बन सकता है। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। ये टेस्ट आपने कहाँ से कराए थे? नवादा से और फिजिकल लेवल पर भी तकलीफ हो रही थी चलने फिरने में या? हाँ, पैर में सूजन था। अच्छा, दर्द वगैरह था। अच्छा, अभी तो ठीक है। अभी ठीक है ना? हाँ। अभी सूजन वगैरह नहीं है? नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये इन्होंने टेस्ट कराए हैं, गणेश प्रसाद जी की रिपोर्ट है ये, नवादा से इन्होंने टेस्ट कराए हैं। और ये जब आए थे इनका क्रिएटिनिन जो था वो 7.3 के आसपास था, 7.3। और ये जाँच इन्होंने कराई 30 अप्रैल 2018 की ये रिपोर्ट है, नवादा पैथोलॉजी का लैब से ये जांच कराई है। और अब इन्होंने फिर रिपीट एक और बार टेस्ट कराया है, ये इन्होंने टेस्ट हुआ है इनका नवादा से ही कराया है, जेल रोड से। इसके अंदर जो क्रिएटिनिन है इनका 4.1 है, 4.1 है क्रिएटिनिन, और पहले जो था वो लगभग 7.3 के आसपास था। और अभी इन्होंने रिपीट फिर अगेन टेस्ट कराए हैं। फिजिकल लेवल पर ठीक लग रहा है, महसूस सही हो रहा है? ठीक है। तो किस प्रकार से एक पेशेंट जो डायलिसिस की स्थिति में थे, डायलिसिस उनका ऑलमोस्ट वहाँ पे इनको एडवाइस कर दिया गया था, डायलिसिस भी आपने कराए थे पहले? हाँ, डायलिसिस चंडीगढ़, डायलिसिस भी कराए थे इन्होंने। और डायलिसिस वाली स्टेज के बाद भी इन क्रिएटिनिन जो था वो 7-8 के आसपास, और अभी जो क्रिएटिनिन है वो काफ़ी रिड्यूस है। फिजिकल लेवल पर भी चेंजेस हैं और रिपोर्ट्स आपके सामने, ये सब चीज़ें रिपोर्ट्स के आधार पर किस किस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट और चेंजेस आए, किस किस प्रकार से इनको फ़ायदा हुआ, किस किस प्रकार से इनको बेनिफिट हुए, ये रिपोर्ट्स आपको कहीं भी और कोई भी नहीं दिखा पाएगा। जिस प्रकार से हम पेशेंट की रिपोर्ट्स आपके सामने रख के बात करते हैं कि किस प्रकार से विश्व भर के पेशेंट्स को आराम आ रहा है, किस प्रकार से विश्व भर के पेशेंट्स को रिलीफ आ रहा है। तो आज एक और पेशेंट गणेश महतो जो नवादा बिहार से हैं, उनको किस किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट है वो आपके सामने अपना बताते हुए। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखिए, आपने आयुर्वेदिक उपचार की क्षमता। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएँ।